नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में भी अपन उसी तरह का एक टॉपिक लेके आए जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, जो हर एक एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अपना बनाता ही है। लास्ट क्लासेज में अपन पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ के बारे में, उससे पहले मैंने आपको बैटरी और सेल के बारे में बताया था। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट सर्किट जिस पे पूरा इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, एक है वैद्युतीय परिपथ, दूसरा है चुंबकीय परिपथ। इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, इनमें बहुत सारी समानताएं और बहुत सारी असमानताएं होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी वैद्युतीय परिपथ में इस राशि के तुल्य कौन सी राशि चुंबकीय परिपथ में होगी। अब ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधा प्रश्न है। अब हमें रिलेट करना होता है तो अपन याद करते हैं या इनका रट्टा लगाते हैं। तो कोशिश ये होगी कि आज की क्लास के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े कि किसको किसके तुल्य रखा गया है, कौन किसके एनालॉगस होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अपन मिक्स देखते हैं कौन कौन से टर्म हैं, कैसे कैसे हैं, और अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, जैसा मैंने दिख रहा है आपको सामने, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट वर्सेस लिखा, मतलब अपन एनालिसिस ऐसा करेंगे कि कौन कौन सी समानताएं कौन सी असमानताएं इनमें हैं। ठीक, सबसे पहले बात करें तो ये होते क्या है, इन दोनों की बात अगर करें, क्या है वैद्युतीय परिपथ और क्या है चुंबकीय परिपथ, तो एक कॉमन डेफिनेशन दोनों के लिए दी जाती है। क्या है, देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूँ किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मुझे बोला जाए, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में मुझे कहा जाए तो मैं सीधा बड़ा आसानी से कह सकता हूँ कि भाई एक क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब हुआ इसका, एक बंद मार्ग आप कह सकते हैं। सिंपल सर्किट अगर अपन कहें को क्या होता है एक वैद्युतीय परिपथ, आप कहेंगे वह परिपथ एक बंद लूप जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सिंपल, धारा प्रवाहित होती है, और इससे सरल कुछ नहीं कह सकते हैं इसके लिए। एक बंद लूप जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे अपन क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब बताइए यहाँ से उधर चले तो जिस तरह से किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा का प्रवाह होता है, उस तरह से मैग्नेटिक सर्किट में किसका होता है, चुंबकीय परिपथ में किसका प्रवाह होता है। जैसे ही मैंने ये शब्द बोला प्रवाह, वहीं पे अपन गलत कर गए भाई, क्योंकि कभी भी कोई चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स जो होता है वो प्रवाहित नहीं होता है, उसका कोई टर्बुलेंस नहीं होता है। तो ये कहना गलत है कि प्रवाहित होता है, ये दोनों में असमानता है कि यहाँ हाँ इसके समतुल्य है लेकिन उसमें प्रवाहित नहीं होता। ध्यान रखना, फ्लक्स हमेशा युग्मित करता है, लिंक करता है। तो आप इधर कह सकते हैं कि सिंपली क्या होता है एक मैग्नेटिक सर्किट, तो उसके लिए क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक सर्किट में सिंपल ये कह सकते हैं क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई ए मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल आप कह सकते हैं ये क्या है, एक बंद मार्ग जिससे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आप कहेंगे युग्मित होता है, जिससे क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स युग्मित होता है। ए क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई मैग्नेटिक फ्लक्स, फॉलोड बाई का मतलब सिंपल सा हो गया, जिसमें क्या करे वो आपका लिंक करे। ध्यान रखिएगा क्या नहीं करता है, प्रवाहित नहीं होता बल्कि उस परिपथ के साथ लिंक करता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो इनके नाम में था जो अपन कवर कर चुके हैं, क्या है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और क्या है एक मैग्नेटिक सर्किट, समझ आ गया होगा। अगर एक छोटे से डायग्राम से देखें तो और चीज़ें इसमें बेहतरीन हो जाती है। कैसे कह सकते हैं, देखिएगा, अगर मैं इसको शो करूं एक परिपथ के साथ तो अपन इस तरह कह पाएंगे, इस डेफिनेशन को सपोर्ट करता है, एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ अपने को सीखने मिली। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर बात हो रही है तो आप कह देते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, जिसे किसी सोर्स के थ्रू जोड़ा, तो आपने एक बैटरी लगा दी मान लीजिए इस तरह से, जैसा कि अपन बात की थी, इस बैटरी का कुछ ना कुछ क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल होगा, EMF होगा, कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। इस बैटरी के सिरों पर अगर मैं एक बाह्य वायर जोड़ देता हूँ, मैं इसके सिरों पर एक तार जोड़ देता हूँ, ऐसा मान लीजिए, उस तार का जो भी है प्रतिरोध, मान लिया अपन इस तरह से एक सर्किट बनाया, ठीक है, आपने कहा इस बैटरी के सिरों पर एक हमने वायर जोड़ दिया इस तरह से, इस तार का प्रतिरोध कुछ R मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस है, और ये परिपथ बहता है, इसमें इसकी पोलरिटी ध्रुवता के अनुसार एक धारा बहती है, धनायन से ऋणायन की ओर, अपने कहा इस तरह से एक विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तो एक सर्किट अपने को दिखाई, एक क्लोज्ड पाथ, एक बंद परिपथ जो कि धारा के द्वारा एक मार्ग पूरा करता है, जिसमें एक स्रोत है और एक सिंक है, एक सोर्स है एक सिंक है, एक स्रोत है जो प्रदान करता है, दूसरा खर्च करता है। तो एक वैद्युतीय परिपथ बना, बेसिक सा सबसे सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट ये।
अब जरा सोचिए, अगर एक मैग्नेटिक सर्किट बनाना चाहते तो क्या चाहिए होता? उसमें एक फ्लक्स चाहिए होता और उस फ्लक्स को उत्पन्न करने का स्रोत भी तो चाहिए होता। बस यहीं से बात आ जाती है कि फ्लक्स कौन उत्पन्न करता है। तो आप वहाँ पे कह सकते हैं फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए हमारे पास एक MMF होना चाहिए, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, चुंबकत्व वाहक बल होना चाहिए। जिस तरह यहाँ EMF इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाकर उसे आगे प्रवाहित करते धारा के रूप में, उसी तरह से किसी चुंबकत्व वाहक बल MMF के द्वारा किसी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स क्या करता है, लिंक करता है। अब वो अलग अलग मार्ग में कर सकता है, किसका प्रतिरोध कैसा है, रिलक्टेंस कैसा है, वो पढ़ेंगे अभी। तो सबसे सामान्य परिभाषा बनाते हुए दिखाऊँ तो मैं एक क्या मान लेता हूँ, एक रिंग मान लेता हूँ। एक मैंने शेप्ड रिंग मान ली। इस रिंग पर कुछ एंड टर्न्स अपन ने लपेट दिए, मान लीजिए कुछ घेरे लगा दिए अपन इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक रिंग है जिस पे एन घेरे लपेटे गए हैं और उस रिंग में कोई आई करंट प्रवाहित करते हैं, ऐसा अपन ने कह दिया, किसी स्रोत के थ्रू, ठीक। तो आप ये जो एन आई है, एन इंटू आई, एम्पियर टर्न, बर्तन घेरे जो हैं, इनके बिहाव पर यहाँ जो MMF बनेगा, पिछली बार जो EMF था उसको इस बार कहते हैं अपन, एक क्या बनता है, MMF बनता है, चुंबकत्व प्रभाव। इस MMF की वजह से जो फ्लक्स स्थापित होता है वो इस पाथ के थ्रू, इस मार्ग के थ्रू क्या करता है, लिंक करता है, आपका आगे बढ़ता है। क्योंकि दो जगह जा सकता है, या तो हवा में चला जाए, एयर में, या किसी चुंबकीय पदार्थ के थ्रू, तो हमेशा उस मार्ग में जाएगा जिसे प्रतिष्ठम कम मिले। हमने कहा मान लीजिए कि यहाँ पर प्रभावित उस फ्लक्स से उत्पन्न फ्लक्स से एक मार्ग बनता है जिसके थ्रू ये लिंक करे। तो अपन इस चीज़ को अगर देखाएं तो ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिंक पाथ बना वो कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए यहाँ से बन के स्टार्ट हुआ, आप मान लेते हैं वो कुछ इस तरह से लिंक करता है, ठीक है। जस्ट मिनट, मान लीजिए वो मैग्नेटिक सर्किट यहाँ से ऐसे लिंक करता है इस मार्ग के, ठीक है। ये इसने अपना एक मार्ग पूरा किया, आप कह सकते हैं इसके थ्रू क्या जा रहा है, ये अपना एक क्या जा रहा है, आप कहेंगे एक फ्लक्स जो है वो स्थापित हो। तो फ्लक्स के लिए बनने वाला ये मार्ग जो है, ये क्या बन जाता है, ये मार्ग कहलाता है इसके लिए एक मैग्नेटिक सर्किट। क्या बन जाता है इसके लिए? मैग्नेटिक सर्किट। और यहाँ पर धारा के लिए जो ये मार्ग बना, ये क्या बन जाता है इसके लिए? एक तरह का आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। समझ गए होंगे? तो क्या है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या है एक मैग्नेटिक सर्किट, बात समझ में आई? एक क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई इलेक्ट्रिक करंट, एक क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई फ्लक्स। सामान्य रूप से एक बंद मार्ग जिसमें धारा प्रवाहित हो, एक बंद लूप या मार्ग जिसमें फ्लक्स आपका युग्मित हो। ये तो हुई परिभाषा के आधार पर अंतर। अब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को देखनी, इस डायग्राम से ही अपने को काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है। क्या? जिस तरह से ये एक मार्ग बनता है उस मार्ग का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, उसी तरह से यहाँ पर एक चुंबकीय मार्ग बनता है उसका कुछ न कुछ अवरोध होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ धारा प्रवाहित होती है, यहाँ पर फ्लक्स लिंक करता है। जिस तरह यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल था, उसी तरह से यहाँ पर एक चुंबकत्व वाहक बल है। ये सारी बातें समझ में आ रही है? इन सबको अपन कहते हैं एनालॉगी पूछना, या फिर किसी के समतुल्यता की बात करना। देखिए कैसे समझते हैं अपन उसको, ये तो अपनी पहली स्लाइड पे जो अपन ने दिया, ये देखिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में एक बहुत छोटा सा अंतर अपन यहाँ पे समझा पाए, ठीक है। अब आगे अपन समझते हैं क्या क्या अंतर हो सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इनमें डिफरेंस करूँ, अगर मैं इन सब में अंतर करूँ, एक अपन पहले से सेक्शन बना लें, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूँ एक नंबर पे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई मेरे पास है करंट, सबसे पहला मैंने कहा कि भाई मेरे पास इस तरफ होता है क्या, धारा, विद्युत धारा की बात करूँ जिसके थ्रू परिपथ बनता है, यानी कि आप बात करेंगे किसकी, करंट की। तो इस करंट के समतुल्य यहाँ पे कौन है? अगर अपन इसके समतुल्य बात करें तो आप कहेंगे करंट के समतुल्य यहाँ पे होता है आपका फ्लक्स। क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत धारा के समतुल्य कौन है? आप कहेंगे इधर होता है, दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स का मार्ग इसके थ्रू बनना, ठीक है। जिस तरह से किसी विद्युतीय परिपथ में धारा को स्रोत, अगर आपको बोला जाए इसका स्रोत कौन है, यानी अगर मैं कहूँ इसका सोर्स ऑफ करंट कौन है, अगर बात किया जाए कि भाई इधर आपके धारा का स्रोत कौन है, तो अपन जवाब क्या देते हैं बताओ, धारा का स्रोत कौन होता है, बोलिए, यहाँ होता है EMF, यही है ना, विद्युत वाहक बल। क्या होता है? विद्युत वाहक बल। आप कहेंगे इस तरफ इसका स्रोत कौन है, विद्युत वाहक बल, जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय विद्युतीय परिपथ बनता है। उसी क्रम में अगर मैं यहाँ पूछूँ तो आपसे कहा जाएगा कि सोर्स ऑफ, बोलो क्या कहेंगे, इस बार आएगा सोर्स ऑफ फ्लक्स कौन है, यानी इस बार आप कहेंगे इस चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का स्रोत कौन है, तो आप कहेंगे स्रोत, अगर पूछा जाए इस बार जवाब क्या होगा, MMF, कौन बन जाएगा आपका स्रोत, MMF। इसे अपन कह सकते हैं ये कौन है
रेखा बोलेंगे, दैट इज चुंबकत्व, वाहक और बल। अब जरा इसको थोड़ा सा समझें, चुंबकत्व, वाहक बल को या इसको। तो विद्युत वाहक बल किस में होता है? वोल्ट में, EMF के रूप में होता है, और ये अपने पास है MMF के रूप में, ठीक है। MMF किसके बराबर होगा? अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे एम्पियर टर्न है। किसके बराबर होता है? एम्पियर टर्न। अपन अगला अंतर कर सकते हैं ना यहाँ पे, बोलिए क्या अंतर हो जाएगा। जैसे इधर मैंने कहा विद्युत वाहक बल, अगर मैं बोलूँ EMF की बात करूँ तो इसका यूनिट किस में होता है? आप कहेंगे वोल्ट के अंदर होता है, ठीक है, वोल्ट। और अगर मैं बात करूँ इधर MMF की, तो अगर आपसे बोला जाए MMF किस में होता है, तो आप कहेंगे MMF किस में होगा बताओ? एम्पियर टर्न के अंदर। किस में होगा? MMF का देखिए बेसिक सूत्र की बात करूँ तो क्या था? नंबर गुना नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट। तो MMF होता है N इंटू आई। इसलिए बताइए इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई हो गई एम्पियर और टर्न। शॉर्ट में इसे लिखा जाता है AT करके। क्या लिखेंगे? AT। तो कल को आ जाए वोल्ट के समतुल्य है, तो जवाब क्या है? एम्पियर टर्न, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी साधारण सी बात करी। अब जरा बताइए किसी विद्युतीय परिपथ में अगर अपन ओम का नियम लगाएं, तो सुनना ध्यान से, अगर मैं इस विद्युतीय परिपथ में ओम का नियम लगा के एक संबंध लिखूं, क्या होता है बताओ? आप जानते ओम के नियम से वी बराबर होता था आई गुणा आर, ये होता था, ठीक है, वी बराबर आई आर। तो अगर मैं यहाँ पर इस समतुल्यता को लिखूं, तो बताइए वो आपसे पूछना चाहता है क्या हो जाएगा। यानी कहने की बात इतनी सी कि अपन यहाँ पे अब रेजिस्टेंस को परिभाषित करना चाह रहे हैं। किसको? रेजिस्टेंस को। देखिए तीसरा अवयव अपन इधर ले रहे हैं, क्या होता है? अपन ले रहे हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की बात करें। किसकी बात करें? प्रतिरोध की बात करें। अब बताइए प्रतिरोध की अगर चर्चा की जाए तो ये कैसे है? इसके समतुल्य अगर कोई आपसे पूछ ले, तो नाम तो अभी से क्लियर कर देते हैं। प्रतिरोध के समतुल्य कौन होता है बताइए? रेजिस्टेंस के जैसा कौन होता है? आप कहेंगे रिलक्टेंस। क्या होता है? रिलक्टेंस। इसे बोलते हैं प्रतिष्ठम, इसे कहते हैं प्रतिष्ठम, जिसे अपन रिलक्टेंस से शो करते हैं। सिंबल की बात करें तो इसके लिए अपन क्या सिंबल यूज कर देते हैं? आर। इसके लिए देखिए कई जगह किताबों में RL मिल जाएगा, या फिर आपको इसके लिए कैपिटल S भी मिल जाएगा, दोनों ही चलते हैं। रिलक्टेंस के लिए RL या S कह सकते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में कोई पूछ ले, ये किसको व्यक्त करता है? तो देखिए ओम का नियम जिस तरह से अपन परिभाषित करते थे, उसी क्रम में प्रतिरोध का गुण भी तो परिभाषित करते हैं। किसी भी विद्युतीय परिपथ में धारा के मार्ग का अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध। उसी क्रम में प्रतिष्ठम क्या है? किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के मार्ग का अवरोध, वो कौन कहलाएगा? आपका प्रतिष्ठम। यानी ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट, और ये हो गया ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ फ्लक्स। दोनों कॉमन सी बातें हैं, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं शॉर्ट में कि कभी अगर आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस के लिए कि क्या है ये रेजिस्टेंस, तो आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए सिंपल एक चीज़ क्या है, ये आपकी करंट के मार्ग का, आप सिंपली कहेंगे ये है धारा के मार्ग का अवरोध। धारा के मार्ग का अवरोध कह सकते हैं, ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट। और प्रतिष्ठम की अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं ये क्या है, इसे अपन कहेंगे ये होता है दैट इज फ्लक्स के मार्ग का अवरोध। समझ रहे हैं? तो अपने पास एनालॉजी जो चल रही है बिल्कुल समतुल्यता एक जैसे ही चल रही है। इस क्रम में अपन और भी पॉइंट्स पे चलते हैं आगे, कौन कौन से देखें। तो यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी सबको, हमने रेजिस्टेंस EMF रेजिस्टेंस और इधर फ्लक्स MMF और प्रतिष्ठम की बात करें। इन दोनों को थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं अगली स्लाइड में। देखिए हम जानते हैं ओम के नियम से लिखना, चलिए देखिए फटाफट कैसे लिखा जाएगा, समझते हैं और यूनिट वाइज बात करते हैं। अगला पॉइंट, आपको पता है किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, उसे किस क्रम से लिखा जाता है? ज़रा याद करिए, आर कैसे लिखते हैं? वी बटा आई, ओम का नियम है। वी की जगह अगर मैं ऊपर लिख दूं क्या, कि भाई EMF और अपॉन लगा दूं क्या, आपने कहा करंट। किस फॉर्मूले से आया बताओ? किस फॉर्मूले से आया? वी अपॉन आई से अपन ने निकाला है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो बताइए इसके समतुल्य इधर कौन होगा? बोलिए कौन होगा? आप कहेंगे इसके समतुल्य होगा दैट रिलक्टेंस, यानी कि प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम क्या हो जाएगा बोलो? सिंबल बताइए S। किसके बराबर होगा? अब बोलो EMF के समतुल्य कौन होता है? पढ़ चुके हैं अपन, कौन था? MMF। EMF के समतुल्य कौन है? MMF। करंट के समतुल्य कौन है बताइए? फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? आपने कहा फ्लक्स। अब बताइए फॉर्मूला क्या निकल के आया? MMF किससे लिखते हैं? आप कहते हैं NI। MMF किससे लिखते हैं? आपने कहा NI। और करंट सिंपली अपने पास है, फ्लक्स की जगह कौन आएगा बताइए? फ्लक्स की जगह आएगा फाई। तो ये आ गया ना अपने पास फॉर्मूला। जैसे R बराबर V बटा आई था, उसी तरह से S क्या होता है? NI अपॉन फाई। चलिए इसी समय अपन इनकी इकाई देख लेते हैं।
बोलो जरा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी इकाई क्या होगी, बोलो यूनिट क्या होती है जानते हैं ना, क्या होती है ओम, यही तो लिखते थे ओम। अब अगर इसकी इकाई की बात करूँ, इसकी यूनिट की बात करूँ, वो क्या हो जाएगी बोलो, एन आई किस में था, एम्पियर टर्न, और नीचे क्या दिख रहा है फाई, तो बताइए क्या लिखा जाएगा बोलो, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये हो गया ना एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये अपने पास किस में आ गया, इसकी इकाई। तो अगर कभी पूछा जाता है तो सीधा जवाब अपन दे सकते हैं कि प्रतिष्ठंभ की इकाई है एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला और ये दूसरे सूत्रों से जानते हैं अपन, जरा बताइए उसके लिए अपने को कुछ चीज़ें और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अभी परमेबिलिटी वगैरह उनकी बात करते हैं पहले, फिर दूसरे क्रम में दिखाएंगे, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है बताइए, कंडक्टेंस चालकत्व उसको देख लेते हैं साथ साथ। आप जानते हैं कि जो कंडक्टेंस होता है यानी कि चालकत्व जो होता है वो किसके बराबर था, चालकत्व को जी से लिखते थे ना, जी बराबर एक बटा आर, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो अब इधर अगर आ जाए तो आप कहेंगे कंडक्टेंस की तरह चालकत्व की तरह चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, अगर पूछे तो आप कहेंगे होता है परमियंस, क्या होता है आप कहेंगे ये होता है परमियंस, जिसे अपन कहते हैं व्याप्तता, चुंबकीय व्याप्तता। परमियंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बताइए, किसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रिलक्टेंस का, तो ये हो गया एक बटा एस। तो जिस तरह से यहाँ पर आपके कंडक्टेंस का सूत्र था उसी क्रम में अपन कह सकते हैं ये परमियंस का फॉर्मूला। तो कल को अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए आपसे पूछे कि परमियंस किसके समतुल्य है, तो जवाब क्या दिया जाएगा, आप कहेंगे कंडक्टेंस के विद्युतीय परिपथ में, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे, चल अब अगला पॉइंट पे आते हैं। इसी क्रम में अगर मैं कहूँ जैसे आर हो गया, मैंने एक पूरा वीडियो इसी पे आपके लिए बनाया था, आर रो जी और सिग्मा के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म होता है जिसे अपन कहते हैं परमिबिलिटी, क्या बोलते हैं परमिबिलिटी, चुंबकीय परिपथ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, म्यू की बात करते हैं, परमिबिलिटी क्या होता है भाई, चुंबकशीलता। अगर मैं एनालॉजी पे जाऊँ तो बड़ा बेहतर समझा पाऊँगा। इधर बताइए क्या लिखेंगे उसके लिए, किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित करने का उसका जो गुण है, कितनी अच्छी गुणता वो रखता है, वो उसकी परमिबिलिटी कहलाता है, आसानी से फ्लक्स को स्थापित कर देना वो उसके लिए कहलाती है कि उसकी चुंबकशीलता अच्छी है, जो लोह चुंबकीय पदार्थों में हमेशा बढ़िया होती है अन्य सभी के तुलनात्मक रूप से, ठीक है। उसी क्रम में बताइए किसी चालक की क्या होती है, चालकता, कंडक्टिविटी, जितनी कंडक्टिविटी बेहतर होगी उतना ही वो आसानी से धारा का प्रवाह कर सकता है, यही पढ़ते हैं अपन, इसीलिए बढ़िया चालक जो होते हैं वो सब धातुओं से बनाते हैं, मेटल से बनाते हैं, क्योंकि उनकी चालकता उच्च होती है। अब बताइए चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता उच्च होना चाहिए और यहाँ पर क्या होनी चाहिए, चालकता उच्च होनी चाहिए, तो अपन अगला टर्म क्या लिख सकते हैं, एनालॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कौन आएगा, इधर आएगा कंडक्टिविटी, क्या आएगा, यहाँ आएगा कंडक्टिविटी, जिसे अपन कहते हैं क्या बोलिए, चालकता, ठीक है, इसे बोला जाता है चालकता। किससे व्यक्त करते हैं बताओ, इसे व्यक्त करते हैं कंडक्टिविटी को सिग्मा से, ठीक है। और यूनिट अगर याद हो तो क्या था बताइए फटाफट, सिग्मा का यूनिट क्या था बोलिए, क्या था, रेजिस्टिविटी का उल्टा ओम मीटर, ये हो जाता है महो पर मीटर, पढ़ा चुका हूँ पहले से, ये होता है महो प्रति मीटर, यही था ना कंडक्टिविटी के लिए, रेजिस्टिविटी ओम मीटर, तो एक बटा ओम मीटर से आ गया। अब इधर चलिए इसके एनालॉजी पे, कंडक्टिविटी के समतुल्य कौन होता है बताओ, कंडक्टिविटी के समतुल्य कौन होगा अगर पूछा जाए, तो आप कहेंगे जिस तरह से यहाँ चालकता है वैसे यहाँ पे कौन है, चुंबकशीलता, तो आप कहेंगे यहाँ आता है परमिबिलिटी, जिसे अपन कहते हैं चुंबकशीलता, ये कहलाता है चुंबकशीलता। इसका सिंबल क्या होता है बताइए, इसे व्यक्त करते हैं अपन किससे, म्यू से। अब इसका यूनिट अगर कोई पूछ ले तो क्या है, याद करिए ये होता है हेनरी पर मीटर, ये क्या कहलाएगा, हेनरी प्रति मीटर। तो छोटा मोटा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, आज की क्लास से आपको पेपर में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एक छोटी बात तो जरूर ही पूछी जाती है इन दोनों से तुल्यता रखते हुए। चलिए रेजिस्टेंस रिलक्टेंस, कंडक्टेंस परमियंस, कंडक्टिविटी परमिबिलिटी, अब एक टर्म बची है बताइए कौन सी है, जिस तरह से ये इसका व्युत्क्रम था वैसे सिग्मा किसका व्युत्क्रम होता है बोलिए, रेजिस्टिविटी का, तो अपन उसको बता सकते हैं यहाँ पे। अगला टर्म कौन आ जाएगा बताइए, अगला टर्म अगर लो तो कौन सा आएगा, यहाँ कहलाएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, आप कहते हैं ये कहलाता है प्रतिरोधकता, किसी चालकता का व्युत्क्रम, तो आप कहते हैं ये किससे लिखा जाता है, याद करिए इसे लिखते थे अपन रो से, ठीक है।
और इसका यूनिट क्या होता था आपका ओम मीटर, याद आ गया। अब बताइए रजिस्टिविटी के समतुल्य कौन होगा, कौन होगा इसके जैसा, इधर होता है रजिस्टेंस से रजिस्टिविटी, तो आप कहेंगे रिलक्टेंस से रिलक्टिविटी, इधर कौन आ जाएगा आपका आएगा, इधर बन जाता है रिलक्टिविटी। इसे अपन कहते हैं प्रतिष्ठमता, इसे अपन प्रतिष्ठमता से भी व्यक्त करते हैं। अब अगर इसकी इकाई पूछ ले तो जस्ट किसका व्युत्क्रम है बोलो, ये किसका व्युत्क्रम होगा इसी का, तो ये जो आपका दिख रहा है हेनरी, तो आप कह सकते हैं ये किसके बराबर होती है, जैसे ये था एक बटा सिग्मा, तो आप कहेंगे रिलक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, सिंपल उल्टा कर दीजिए एक बटा, बोलिए कंडक्टिविटी क्या था एक बटा रो, आप कहेंगे परमिबिलिटी जस्ट इसका, तो एक बटा आप कह सकते हैं म्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने पास ये चार पैरामीटर निकल के आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी चीज़ें अपन ने बोली है वो सब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट को रिलेट करने वाली, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर संबंधित होती हैं, उनको देखिए। मान लीजिए अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे को रेजिस्टेंस वाली बात पता है, तो अपन यहाँ से निकाल पाएंगे। चलिए एक और फॉर्मूला होता है जिसको डेवलप कर लें, आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के लिए चालक के प्रतिरोध के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये क्या है प्रतिरोधकता लंबाई क्षेत्रफल। अब अगर मैं इसी में कह दूँ, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई रो जो होता है वो एक बटा सिग्मा भी तो होता है, तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूँ क्या कि आर बराबर एल अपॉन, आर बराबर एल अपॉन क्या आ जाएगा बताइए, एल अपॉन सिग्मा ए, बोलिए क्या ये चालक का प्रतिरोध है, बिल्कुल है, यहाँ से लिखा पड़े। अब इसके समतुल्य आना अपने को इधर, बोलिए इसके समतुल्य कौन होता है बोलो, प्रतिष्ठम, यानी कि इसके समतुल्य कौन हो गया प्रतिष्ठम यानी रिलक्टेंस। अब R की जगह बताइए क्या लिखूं, यहाँ से चल रहे हैं सीधा, R की जगह क्या आएगा S, लेंथ और एरिया तो यहाँ पर भी होता है, L और A तो यहाँ पर भी आ जाएगा। अब सिग्मा जो दिख रहा है, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, यानी कि अभी भी पढ़ के क्या थी चालकता, नहीं याद रहती तो ये देखो टेबल, चालकता के समतुल्य कौन होता है बोलिए परमिबिलिटी चुंबकशीलता, तो बताइए यहाँ पे सीधा क्या लगा दूँ, ये लीजिए म्यू लगा दे, ये बन गया अपना फॉर्मूला। यहाँ से भी रिलक्टेंस की एक इकाई निकाली जा सकती है, कैसे देखिए फटाफट, अगर मुझे एस की यूनिट निकालनी, जरा देखो क्या होगी, लेंथ के लिए क्या आ जाएगा ऊपर मीटर, म्यू के लिए बताइए क्या आएगा हेनरी प्रति मीटर, और क्षेत्रफल किस में होता है ये लीजिए मीटर स्क्वायर, गौर से देखें ये सब मीटर कैंसिल हो रहे हैं ना, ये और ये सब कट गए, तो अपने पास क्या निकल के आता है बोलिए, क्या निकल के आता है एक बटा हेनरी, यानी मैं कह सकता हूँ हेनरी इनवर्स, ये भी किसकी इकाई है प्रतिष्ठम। तो कल को पूछ ले कि अब मान लीजिए प्रश्न आ गया कि प्रतिष्ठम की इकाई है, ऑप्शन ए दिया आपको एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन बी दिया प्रति हेनरी, ऑप्शन सी दिया ए तथा बी दोनों, तो बताइए कौन सा सही जवाब करेंगे, तीसरा करेंगे ना, इसलिए सारे इकाइयाँ अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की चीज़। आगे बढ़े, कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको अपन ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में दूसरे और कौन कौन से बिंदु हैं उनको देखिए। अगले पॉइंट पे अपन एक बोलते हैं विद्युतीय परिपथ होता है जिसे बोलते हैं सिंपल करंट डेंसिटी, इसे बोलते हैं अपन क्या धारा घनत्व, ठीक है धारा घनत्व। अब बताइए करंट डेंसिटी धारा घनत्व का सिंबल यहाँ पे होता है जी, किसी भी तरह की घनत्व का मतलब होता है वो क्वांटिटी बटा क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा, तो बताइए जे का मान किसके बराबर हो जाएगा आप कहेंगे करंट अपॉन एरिया, करंट बटा क्षेत्रफल। तो अगर कोई यहाँ से आपको यूनिट पूछ ले तो बताइए क्या दें, यूनिट हो जाएगी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये होगा धारा घनत्व। अब अगर कोई पूछे इसके समतुल्य इधर कौन है तो क्या जवाब दोगे, जैसे करंट है वैसे यहाँ पे कौन होता है फ्लक्स, समतुल्य तो पता है करंट की जगह फ्लक्स, तो इधर क्या नाम आएगा बताइए, इधर बोला जाएगा इसे कहेंगे फ्लक्स डेंसिटी, क्या बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी, जिसे अपन कहते हैं सिंपल फ्लक्स घनत्व, ये बोलते हैं। और अगर चुंबकीय लगा दो तो पूरा नाम समझोगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बताइए जरा सिंपल क्या होता है, जे की जगह ये बन जाता है बी, करंट की जगह क्या आएगा ये बन गया फाई, और क्षेत्रफल तो है ही, ये फॉर्मूला आप सब जानते हो बी बराबर फाइव बटा ए, बोलिए जरा यूनिट क्या होता है इसका बोलो, फ्लक्स किस में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये लीजिए भैया आ गया आपका दोनों में रिलेशन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के समतुल्य कौन है तो अपन कहेंगे धारा घनत्व है, जो कि आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और वेबर पर मीटर स्क्वायर बन गया, हो गया ना आसान सा। चलिए
एक और टर्म ले अपन, वो भी आपके पास काफ़ी पूछा जाता है, बोलो। एक होता है जैसे ये बी लिखा ना, वैसे एक एच भी होता है, जिसे अपन कहते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। उसी तरह से इसको इधर से समझाता हूँ, देखो उल्टा इधर मैं कहूँगा, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे चुंबकन क्षेत्र भी कह देते हैं कई बार, इसे सिंपल और कुछ नहीं तो चुंबकन क्षेत्र भी बोल देते हैं। ये होता है अपना इंटेंसिटी, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए भाई जरा याद करिए, क्या सिंबल होता है इसका, इंटेंसिटी का सिंबल लिया जाता है एच, ठीक है। और एच जो है वो बराबर होता है एकांक लंबाई में कितना एमएमएफ है, तो आप कहते हैं ये बराबर होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन लेंथ। तो बताइए यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, बोलो, एन आई अपॉन एल, यही आएगा। अगर कोई यूनिट पूछ ले तो बताइए क्या बन गई इसकी इकाई, क्या बन गई, एम्पियर टर्न प्रति मीटर, क्लियर है, ये इसकी इकाई हो गई। अब इसके समतुल्य ढूंढने अपन, तो इसके समतुल्य देख रहे हैं तो इधर आते हैं। चलो भाई अब अपन इसके उल्टा सोचिए, अगर इधर था चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता तो बताइए इधर क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इस तरफ क्या लिखा जाएगा, आप कहेंगे ये बन जाएगा विद्युत, ये बन जाएगा सिंपल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो ये क्या होता है, आप इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी। अब बोलिए ये किससे व्यक्त करते हैं, इसका सिंबल था भाई ई, इसका सिंबल क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड, स्थिर विद्युत की पढ़ते हैं अपन ई, ये किसके बराबर होगा, अब देखो कितना आसान है, एमएमएफ के समतुल्य कौन है, ईएमएफ, तो बताओ इधर क्या लिखूं, इधर लिखूंगा मैं ये लीजिए ईएमएफ, और नीचे कौन चल रहा है, लेंथ, तो बताइए ये क्या हो गया, ईएमएफ किस में मापा जाता है, वोल्ट, और नीचे क्या, मीटर, बोलिए क्या आंसर आया, वोल्ट प्रति मीटर, ये लो इसकी इकाई पता चल गई। अब बड़ा आसान है मैंने कहा ना आपस में संबंधित करना है इनको, अगर एक बार सीख जाओ तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक जैसे ही लगेंगे, आसानी से जवाब दे पाएंगे। और बताइए और कौन सा टॉपिक यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट की बात आती है तो ईजीली अपन इन सब पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। चलो और बताइए और कौन सा, एक ओम के नियम को देख लेते हैं। चलिए इधर देखिए, अगर अपन कहें, आपने पढ़ा भी होगा मैग्नेटिक सर्किट के लिए, और इधर दो क्वांटिटीज देखी जाती है, बी एच वक्र बनाते हैं ना उसी क्रम में, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को परमिबिलिटी के साथ संबंधित करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू एच, आपने पढ़ा होगा, यूज़ भी काफ़ी किया होगा, जहाँ म्यू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट और म्यू आर, ये परमिबिलिटी के दोनों गुण हैं। इधर अगर आपसे बोला जाए तो आप इसके समतुल्य बताइए, बी की जगह कौन आएगा, धारा घनत्व यानी कि जे, म्यू की जगह कौन आएगा बताइए, चालकता यानी कि सिग्मा, एच की जगह कौन आएगा, अभी भी पढ़ गए हैं ए, तो जे बराबर सिग्मा ए, तो कल को प्रश्न आ जाए बी बराबर म्यू एच के समतुल्य है तो अपन जवाब दे सकते हैं ना, जे बराबर सिग्मा ए। इस तरह से अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में खूब सारी समानताएं और आपकी सिमिलरिटीज होती हैं, एनालॉगस टर्म काफ़ी सारी। अब देखिए इस बात को जो अपन ने पढ़ा, यहाँ पर इनकी भी बात कर ही लेते हैं, ये दोनों क्या होती है भाई, म्यू नोट और म्यू आर क्या है, आप कहेंगे म्यू नोट जो है ये कहलाती है निरपेक्ष, ये कहलाती है निरपेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट और परमिबिलिटी, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है याद रखिए, आपको पता भी होना चाहिए, 4π × 10⁻⁷, ये होता है अपने पास किस में होता है, बोलो हेनरी पर मीटर, यही वैल्यू आएगी। और अगर कोई पूछ ले किसके लिए, म्यू आर के लिए, तो म्यू आर जो है इनका अनुपात है, इसे अपन बोलते हैं म्यू आर जो है ये कहलाती है सापेक्ष, ये है आपके सापेक्ष चुंबकशीलता, इसे बोलते हैं रिलेटिव और परमिबिलिटी, इसकी वैल्यू एयर के लिए 1 होती है और चुंबकीय पदार्थों के लिए 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे इससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसे भाई यहाँ म्यू है वैसे यहाँ पे क्या होता होगा, अपसाइलन होता होगा, भूल गए आप, अपसाइलन जो है वो विद्युतीय क्षेत्र की क्या है, परमिटिविटी होती है, ये अलग चीज़ है, ये आपकी विद्युतशीलता होती है, ये अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा,
ये अलग चीज़ होती है, कहीं पर म्यू और अपसाइलन कभी मैच मत कर देना, गलत हो जाएगा, सरासर गलत है। शीलता शीलता देख के कहीं बह जाओ, नहीं, ये बिल्कुल अलग है। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित करने का गुण, ये कौन है? चुंबकशीलता। जबकि विद्युतीय परिपथ में उसके सापेक्ष जो होता है वो कौन है? उसकी विद्युतशीलता नहीं है बल्कि चालकता होती है, क्योंकि पदार्थ से संबंधित है, ये किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से संबंधित है। इसकी भी बात करेंगे जब स्थिर विद्युत की आवेश से संबंधित अपन बात करेंगे, ठीक है? तो ये सब थी अपनी समानताएं या एनालॉगी। अब अगर कोई मुझे पूछ ले कि भाई इनमें अंतर किस किस चीज़ का है, यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जो सेम नहीं होती, उनको भी डिस्कस कर लें। एक लास्ट पॉइंट वो भी ले लेते हैं। देखिए, अगर कोई मुझे कहे असमानताएं कौन सी होंगी, यानी कि डिसेबिलिटीज कौन सी, इनकी अगर बात करें, कौन कौन सी असमानता यहाँ पर मिलती है किसमें? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। देखिए, बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो करंट होती है, आपकी जो धारा होती है, वो हमेशा क्या करती है भाई? बोलो, फ्लो करती है, यानी कि प्रवाहित होती है। इसमें एक वास्तविक प्रवाह होता है, समझ, अगर चेक करना हो तो तार जा रहे, हाथ लगा के देख लो, प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही, पता चल जाएगा करंट आके। लेकिन अगर कोई मुझे कहे चुंबकीय परिपथ के लिए, तो बताइए, अगर मैं बात करूँ फ्लक्स की, तो क्या फ्लक्स प्रवाहित होता है? नहीं। आप कहेंगे सिंपल, डजंट फ्लो, ये क्या नहीं होता है? प्रवाहित नहीं होता है। आप कहेंगे ये प्रवाहित नहीं होता है। भाई प्रवाहित थोड़ी होता है कोई फ्लक्स, प्रवाहित होता तो बीच में तोड़ देते तो नहीं जाता, एयर में से भी तो निकल जाता है, प्रवाहित नहीं होता है। तो फिर कहेंगे क्या होता है? आप कहेंगे ये तो आपका परिपथ में लिंक करता है, यानी सिंपल सी बात है, ये क्या करता है? ये युग्मित होता है। ये क्या करता है? ये फ्लक्स में युग्मित होता है। तो ये पहला फर्क आ गया दोनों में, पहला डिफरेंस। दूसरा देखिए, दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क ये है, जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो आप ये बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ, किसकी बात करें? विद्युत रोधी। क्या मतलब होता है इनका? जिसमें से विद्युत धारा नहीं बहे। तो आप कहेंगे ऐसे पदार्थ बनाना क्या है? संभव है, बिल्कुल संभव है। माइका, प्लास्टिक, वुड, ये सब पोर्सिलिन, ये सब क्या इंसुलेटर ही था? आसानी से बहुत से ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी इनका निर्माण किया जाना संभव है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, क्या कोई परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर, क्या कोई परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर संभव है? आप कहेंगे नहीं संभव। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें से फ्लक्स लिंक नहीं करता है। सबसे घटिया जो माना जाता है वो कौन है? एयर। आप कहेंगे सबसे बुरा, अगर कोई पूछे सबसे बुरा भी अगर अपन कहें तो कौन सा होता है? एयर होता है, वायु होता है। उसमें से भी आप कहेंगे फ्लक्स जो है वो क्या कर जाता है? युग्मित हो जाता है, उसमें से भी फ्लक्स लिंक कर जाता है। इसका मतलब ये गुण आपके यहाँ नहीं है, तो इंसुलेटर नहीं बना सकते, बिल्कुल। ये भी है, तो ये भी दोनों में डिफरेंस हो गया। और एक तीसरा डिफरेंस और ले लें, वो क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या होता है भाई ये? क्या होता है? इसे कहते हैं अवशिष्ट और चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व। ये जो गुण है ये किस में संभव है? आप कहेंगे मैग्नेटिक सर्किट जो होते हैं उसके अंदर ये होता है, मैग्नेटिक सर्किट में ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, मैंने एक तार लिया, किसी लोहे के कोर पर लपेटा, बिजली से जोड़ा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, थोड़ी देर तक उसको चार्ज किया, बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी हटा लेता हूँ तो भी उसमें कुछ चुंबकीय गुण संचित रहते हैं, यानी स्रोत हटाने के बाद भी अगर कुछ अवशिष्ट गुण बच जाएं, वो क्या है भाई? अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण। तो इसमें संभव है चुंबकीय पदार्थों में। क्या इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करती है? नहीं। विद्युतीय परिपथों में आप कहेंगे विद्युतीय, यानी मैग्नेटिक सर्किट का मतलब क्या है? अगर इनमें बोला जाता है कि अगर आपने सोर्स को हटा भी लिया तो भी आपका फ्लक्स जो है वो क्या रहता है? आपका स्टेब्लिश रहता है, फ्लक्स वहाँ पे रहता है, कुछ क्षण तक ही रहे लेकिन आपका संभव है रहता है। लेकिन अगर इसी बात को अपन किस पे बोलें? इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपन कहेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल परिपथ में ये कहा जाता है कि जब तक सोर्स है, आपका सोर्स अगर आप हटा लें तो हटाते ही आप कहेंगे आपके परिपथ की धारा क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है।
क्लियर है ना, ये करंट यानी केवल परिपथ तब तक ही रहता है जब तक उसके साथ स्रोत जुड़ा है, उसके बाद नहीं। तो आप कह सकते हैं चुंबकीय पदार्थों में अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण है, रेजिडुअल प्रॉपर्टी होती है, जबकि वहाँ पर नहीं होती है। ये आपकी कुछ असमानताएं आ गई, ठीक है। तो होपफुली आप सबको समझ आया होगा क्या कुछ देख रहे थे अपन। हम पढ़ रहे थे आज इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट, जिसमें हमने छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हुए उनको क्या किया, कवर अप किया। तो बहुत सी बार आपको ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है कि कौन किसके समतुल्य है या नहीं है, तो आसानी से जवाब दे सकते हैं क्या कुछ देख लिया आपने, कौन कौन सी दोनों तरफ टर्म होती है, पद होते हैं वो देखे, परिभाषा, उनसे संबंधित उनके गुण, उनके रिलेशन, उनकी यूनिट भी देख ली, और कौन किसके एनालॉगस से समतुल्य ये तो पढ़ ही लिया, ठीक है। तो आज की क्लास इट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट। और भी आगे आने वाली क्लासेस में अपन ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक जो पेपर में पूछे जाते हैं, एक दो नंबर का सवाल है जो अपने लिए, हम जरूर पढ़ें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।